ऋषि आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर कैशलेस सोसाइटी का भी जिक्र किया उन्होंने। जी कैशलेस सोसाइटी से पहले यह भी कहा कि ठीक है, संभव नहीं है कि पूरी तरीके से हम कैशलेस हो जाएं, लेकिन इसकी शुरुआत हम लेस कैश सोसाइटी से भी कर सकते हैं। इस बिल्कुल, अपील को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पराक्रम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आज इनका मन की बात कार्यक्रम रहा, एक ओवरऑल अगर हम इसे देखें जी तो ये अद्भुत था। अद्भुत इसलिए क्योंकि उनको अंदाजा है, उनको पता है कि देश एक बड़े अभियान से इस समय एक गुजर बड़े रहा बदलाव है। से गुजर रहा है जी, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान से क्या क्या चीजें हो रही हैं, लोगों की दिक्कतें हो, लोगों का साथ हो, जो इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें कैशलेस को लेकर जो परेशानियां हैं, वो सारी बातें इनको पता है और इन्होंने हर मुद्दे को छुआ, हर वर्ग को कैटर किया। जहां तक आप बात कर रहे हैं कैशलेस की, प्रधानमंत्री जी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कैशलेस सोसाइटी में आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये सबसे पहले एक फैसला लेते हैं, फैसला लेने के बाद ये एक दिशा देते हैं, जी। दिशा दे रहे हैं, और उस दिशा देने के बाद वो उन सुविधाओं को ढूंढ रहे हैं। कई सारी सुविधाएं तो लागू कर दी हैं, लेकिन उनको ये पता है कि रास्ते में जब हम चलेंगे तो हमको दिक्कतें होंगी, उन दिक्कतों का वो समाधान भी ढूंढ रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि दिक्कत होगी, आप घबराइएगा नहीं। इन्होंने इस कैशलेस के ही माध्यम को अगर हम देखें जी तो इसमें इन्होंने कई एग्जाम्पल दिए, कई क्रिएटिव एग्जाम्पल, कि लोगों ने कैसे उन परिस्थितियों से निपटने के लिए खुद अपने आप तरीका ढूंढ निकाला बिल्कुल है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है, अगर आपको बढ़ना है, अगर सोसाइटी में बदलाव लाने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कैशलेस होना ही पड़ेगा। और इस तमाम मुद्दे पे उनको पता है कि जो सबसे बड़े सेनानी हैं वो युवा हैं, जिनकी आबादी 65% से ज्यादा है। बिल्कुल तो मेरा ख्याल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, फैसले कर लिए हैं, रास्ता भी तय कर दिया है, लेकिन उनको ये बात पता है कि दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जी उन दिक्कतों से कैसे निपटना है, अब इसकी तलाश हो रही है और किया भी जा चुका है। हरीश जी, आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री की अपील का इतना व्यापक असर, और निश्चित रूप से हम ये परिकल्पना कर सकते हैं क्या कि भारत अब बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहा है? पराक्रम जी, बिल्कुल मैं 100% इस पे सहमत हूं कि भारत बदल रहा है, भारत एक नए रास्ते की ओर चल पड़ा है। जहां तक उदाहरणों की बात है, ये छोटे छोटे उदाहरण जो हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब आप बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो मिलकर बहुत बड़ी होती हैं। और प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि वो इन उदाहरणों को देखते हैं, ये उदाहरण लोगों को प्रेरित भी करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कल दिल्ली में ही जो सरकारी स्टोर होते हैं वहां पे लंबी लाइन लगी हुई थी। लोगों को पता है कि 500 रुपए का नोट चल रहा है और आपको वो खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, वहां अचानक से एक पेंटर आता है जिसने पेंट वेंट किया होगा, उसके कपड़े भी रंगे हुए थे, और उसके पास किसी ने 500 रुपए का पुराना नोट दे दिया होगा। वो लाइन में खड़ा रहता है, उसके बाद स्टोर वाला आता है, बोलता है भाई आपके पास है कोई आई कार्ड? उसके पास आई कार्ड नहीं होता है, तो उसे लाइन से अलग कर देता है, वो भी चुपचाप अलग हो जाता है। तभी वहां जो लाइन में खड़े लोग थे, उसमें एक महिला भी थी और दो तीन और सज्जन, तुरंत टोकते हैं कि भैया इनके पास कहां से होगा? तो स्टोर वाला बोलता है कि हम क्या करें। तब क्या होता है कि वो तमाम लोग, कम से कम दसियों लोग वहां खड़े हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इनका जो भी सामान लेना है लीजिए, मेरे खाते में डाल दीजिए। अब ये जो सहयोग की भावना है वो भी निकल करके आई है लोगों की। ये निकल, आप क्या होता है जब देश इतनी बड़ी चुनौती से गुजर रहा है तो जाहिर तौर पे वो कठिनाइयों, वो परिस्थितियों से आपको निपटना कैसे है, ये तो लोग ही तय करेंगे ना।